बिहार में बाढ़ का कहर लगातार जारी है। बाढ़ के पानी का जलस्तर बढ़ने से पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया प्रखंड अंतर्गत पुराना गांव का पुल टूट गया है। बताया जा रहा है कि पुल का निचला हिस्सा तेज पानी का वेग झेल नहीं पाया और पुल पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, जिससे आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा और प्रबल हो गया है। हालांकि आसपास के इलाके पहले से ही बाढ़ से प्रभावित हैं। इस पुल के ध्वस्त होने से कई गाँव का संपर्क टूट गया है। बता दें, यह पुल पुराना गांव को चांद परसा, बनपुरवा, सागर चुरामन, बजिया, मननपुर, बेतिया, बसंत इत्यादि दर्जनों गांव को जोड़ती थी। बता दें, यह पुल केसरिया विधानसभा क्षेत्र के राजद विधायक राजेश कुमार के घर से मात्र 500 मीटर की दूरी पर है। ग्रामीणों के मुताबिक पुल काफी समय से जर्जर स्थिति में थी। अगर समय रहते मरम्मत का कार्य किया गया होता तो पुल शायद नहीं टूटती। यह पुल करीब 15 साल पहले तब के जिला परिषद सदस्य रहे सुरेश सहनी के द्वारा बनाया गया था, जो कि अब बिल्कुल जर्जर हो चुका था।